हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी सॉल्यूशन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है ओजेनेसिस। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में बात करी थी, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ओजेनेसिस के बारे में। जब एक मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होती है तब उस प्रोसेस को ओजेनेसिस बोलते हैं। बेसिकली जो प्रोसेस होती है ओवरीज में फीमेल गोनाड्स में होती है। ये जो ओजेनेसिस होती है तीन फेस में कंप्लीट होती है, मल्टीप्लिकेशन फेस, ग्रोथ फेस एंड मैच्योरेशन फेस। हम लोग एक जनरल प्लान देख लेते हैं यहाँ पे ओजेनेसिस का। ये जो प्रोसेस होती है बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स रहती है ओवरी फीटल ओवरी में, उसमें से कुछ सेल इनलार्ज हो जाती है और माइटोटिक डिवीज़न करना स्टार्ट कर देती है। माइटोटिक डिवीज़न करते करते वो अपनी सेल्स को इंक्रीज कर देती हैं और लाख से भी ज़्यादा ओगोनिया प्रोड्यूस करती हैं। ये ओगोनिया माइटोटिक डिवीज़न की हेल्प से अपने नंबर को भी और बढ़ाए रखती है और इस तरीके से प्राइमरी ओसाइट का फॉर्मेशन होता है। ये प्राइमरी ओसाइट मियोसिस के प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है और तभी एक्टिव होती है जब एक फीमेल बॉडी अपनी एक प्यूबर्टी स्टेज अटेन कर लेती है। प्यूबर्टी स्टेज अटेन करने के बाद मियोसिस की प्रोसेस कंटिन्यू होती है और प्राइमरी ओसाइट रिडक्शनल डिवीज़न से दो सेल फॉर्म करता है, एक लार्ज सेल स्मॉल सेल। लार्ज सेल को हम लोग सेकेंडरी ओसाइट बोलेंगे, स्मॉल सेल को हम लोग पोलर बॉडी बोलेंगे। ये दो सेल का फॉर्मेशन इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल साइटोकाइनेसिस का डिवीज़न होता है। इस तरीके से हमें एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओसाइट मिलती है। ये सेकेंडरी ओसाइट में मियोसिस के मेटाफेज सेकंड स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी और तभी एक्टिव होगी जब कोई स्पर्म ओव्यूलेशन के लिए पेनिट्रेट करने आएगा। जब फर्टिलाइजेशन या ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि जब स्पर्म कांटेक्ट के लिए आता है एक के, तब ये सेकेंडरी ओसाइट और पोलर बॉडी मियोटिकली डिवाइड होते हैं और इस तरीके से हैप्लोइड एक या एप्लॉयड इंडिविजुअल फॉर्म होता है और टोटल हमको तीन पोलर बॉडी और एक फर्टिलाइज एग मिलता है। तो ये था बेसिक जनरल प्लान ओजेनेसिस का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीफली ओजेनेसिस की। तो जो तीन फेस मैंने बताए थे, जो मल्टीप्लिकेशन फेस, ग्रोथ फेस और मैचुरेशन फेस, तो उसका डिस्कशन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज की। ये फेज जो होता है बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाता है। ओवरी के जर्मिनल एपिथेलियम में कुछ सेल्स दूसरी सेल्स के कंपैरिजन में बड़ी होती हैं। ये सेल माइटोटिकली डिवाइड करती हैं और लाख से भी ज़्यादा ओगोनिया प्रोड्यूस करती हैं। ये ओगोनिया माइटोटिक डिवीजन की हेल्प से अपने नंबर को बढ़ाए रखती है और इस तरह प्राइमरी ओसाइट फॉर्म होता है। हम बात करते हैं ग्रोथ फेस की। ये प्राइमरी ओसाइट का जो फेस होता है काफ़ी लंबा होता है और कुछ सालों तक एक्सटेंड होता रहता है और ओगोनियम अब एक बड़े प्राइमरी ओसाइट का रूप ले लेती है। ये प्राइमरी ओसाइट ग्रेनुलर सेल की लेयर से सराउंडेड होती है और इस तरीके से प्राइमरी फोलिकल बनाती है। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक के पीरियड में इनमें से बड़ी संख्या में फोलिकल डीजनरेट हो जाते हैं, इसलिए प्यूबर्टी पीरियड में सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फोलिकल हर ओवरी में बच पाते हैं। इस फोलिकल के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसलिए हम एंथ्रम बोलते हैं। मैचुरेशन फेज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह प्राइमरी ओसाइट के अंदर भी दो मैचुरेशन डिवीज़न होते हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न और सेकंड मियोटिक डिवीज़न। फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न प्रोफेज फर्स्ट
स्टेज के बाद अरेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो न्यू बॉर्न फीमेल बेबी होगी तो उसकी ओवरी में 2 लाख के लगभग ओसाइड प्रेजेंट होते हैं। जब फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाएगी तब हर मंथ किसी एक ओवरी का एक ओसाइड स्टिमुलेट होगा विद द हेल्प ऑफ हार्मोन, जिसे हम लोग फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और FSH हार्मोन बोलते हैं। और इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी और हमें एक सेकेंडरी ओसाइड और फर्स्ट पोलर बॉडी मिल जाएगी बिकॉज ऑफ अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। ये सेकेंडरी ओसाइड मियोसिस के मेटाफेज स्टेज में अरेस्ट हो जाएगी और तभी एक्टिवेट होगी जब कोई स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए इसके पास आएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तब मियोटिक प्रोसेस शुरू हो जाती है और सेकेंडरी ओसाइड फिर डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है 2 अनइक्वल डॉटर सेल में, एक लार्ज और एक स्मॉल। लार्ज सेल को हम लोग ओटीड बोलते हैं और स्मॉल को हम लोग पोलर बॉडी बोलते हैं। ओटीड ग्रो होता है और फंक्शनल हैप्लोइड ओवम में चेंज हो जाता है। ओवम जो होता है ये फीमेल का मेन गैमेट होता है। पोलर बॉडी रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी और जल्द ही डिजनरेट हो जाएगी। ह्यूमंस में सेकेंडरी ओसाइड स्टेज पर ये ओवम ओवरी से रिलीज हो जाएगा और फेलोपियन ट्यूब में तभी मैच्योर होगा तब कोई स्पर्म एंटर होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। स्पर्म की एंट्री एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को स्टिमुलेट करेगी और मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को ब्रेक डाउन करके मियोसिस सेकंड प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। अब एक सेकेंडरी ओसाइड फर्टिलाइज ओवम में कन्वर्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओवम की। ह्यूमंस में ओवम एक थीन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम वाइटेलिन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये वाइटेलिन मेम्ब्रेन फिर से एक और प्राइमरी मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं। ये जोना पेल्यूसिडा अलग अलग रोल प्ले करता है, जैसे ओसाइड का डेवलपमेंट, ग्रोथ के टाइम प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टोसाइट डेवलपमेंट, एक्टोपिक प्रेगनेंसी किसे प्रिवेंशन। तो इस तरीके से जोना पेल्यूसिडा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जोना पेल्यूसिडा और वाइटेलिन मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम पेरीवाइटेलिन स्पेस बोलते हैं। जब ओवम ग्राफीन फोलिकल से डिस्चार्ज होता है तब कुछ एपिथेलियल सेल्स की लेयर जोना पेल्यूसिडा के सरफेस पर अटैच हो जाती है और रेडियली अरेंज होकर कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ओवेरियन साइकिल या स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन फोलिकल की। तो ओसाइट के जो प्राइमोडियल फोलिकल सेल्स होती है ये कंसिस्ट होती है ओसाइट के और ग्रेनुलोसा सेल्स की। जैसे ही ग्रेनुलोसा सेल्स इनलार्ज होगी, क्यूबॉइडल होगी, वैसे ही प्राइमरी फोलिकल की साइज बढ़ जाएगी। ये प्राइमरी फोलिकल सेल फिर इनलार्ज होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लेयर का फॉर्मेशन करने लगेगा और जोना पेल्यूसिडा बनाएगा। ये जोना पेल्यूसिडा जो हमने अभी बात करी थी, तो इस तरीके से प्राइमरी फोलिकल जो होता है सेकेंडरी फोलिकल में चेंज हो जाता है। ये सेकेंडरी फोलिकल अब एक मेच्योर सेकेंडरी फोलिकल के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन हमें यहाँ दिख रहा है। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे हम लोग एंट्रम बोलते हैं। ये सेकेंडरी फोलिकल अब एक मेच्योर फोलिकल का रूप ले लेगा और जब ओव्यूलेशन होगा तब ओसाइट इस फोलिकल से रिलीज हो जाएगा, साथ ही साथ इसके कोरोना रेडिएटा भी रिलीज हो जाएगा। ये ग्रेनुलोसा सेल इनलार्ज होगी और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि येलो कलर का होता है। ये कलर इसमें प्रेजेंट ल्यूटिन पिगमेंट के कारण होता है। ल्यूटिन सेल्स होती है बेसिकली एक हार्मोन को सिक्रेट करती है या सिंथेसाइज करती है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
कॉर्पस ल्यूटियम कुछ समय बाद डीजनरेट होकर कॉर्पस एल बात करते हैं कॉर्पस एल्बिक कॉर्पस ल्यूटियम का जो कलर होता है वो इसमें एक प्रेजेंट एक पिगमेंट के कारण होता है जिसका नाम है ल्यूटिन पिगमेंट। ये ल्यूटिन पिगमेंट जो होता है एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कुछ टाइम बाद ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा और कॉर्पस एल्बिकेंस का फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से ये ग्राफीन फोलिकल और ये ओवरियन साइकिल जो होती है वर्क करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ ओजेनेसिस की। तो एक ऊगोनियम एक ओवम और तीन पोलर बॉडी प्रोड्यूस करता है। पोलर बॉडी के पास कुछ अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है जो कि अर्ली एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। पोलर बॉडी का बनना ओवम के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन करके चलता है। ओजेनेसिस वेरियर ऑर्गेनिज्म में भी होती है और इसी वजह से ऑर्गेनिज्म के बेसिक रिलेशनशिप के एविडेंस को सपोर्ट करती है।